हाय एवरीवन, आई एम फराज एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट क्यूरफिट। तो जब एक स्टूडेंट प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा होता है देन उसके मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं। पहली, कौन सी लैंग्वेज करनी है, दूसरी कहाँ से करनी है, DSL को कहाँ से करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म फॉलो करना है, डेवलपमेंट कहाँ से करनी है, और यही करते करते जो फर्स्ट ईयर होता है वो निकल जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने एक रोड मैप रखना चाहता हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको स्पेसिफिक रिसोर्सेज बता दूंगा। इनफैक्ट माई सिस्टर, शी इज़ करंटली डूइंग हर इंटर्नशिप फ्रॉम उबर, तो शी वॉज फ्रॉम नॉन CSE बैकग्राउंड और अभी भी वो नॉन CSE बैकग्राउंड से ही है। शी इज़ इन इलेक्ट्रिकल DTU। तो मैंने उसको एक प्रॉपर रोड मैप दिया था विच शी फॉलोड एंड उससे उसका काफ़ी टाइम बच गया। द सेम इज़ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। आप लोगों को मैं प्रॉपर एक रोड मैप बताने वाला हूँ काफ़ी क्रिस्प मैनर में, और उस रोड मैप को देख के आप लोग रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने जूनियर्स के साथ एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी टू क्रिएट सच कंटेंट फॉर यू। तो देखो, वहाँ पर है ट्राईपॉड, वहाँ पर है हमारा रोड मैप, प्रॉपर आपका सेटअप तैयार है। बट बिफोर गोइंग दैट, मुझसे काफ़ी लोग इसके बारे में पूछे थे इन माई प्रीवियस वीडियो। सो दीज आर माई न्यू कीज, कॉस्मिक बाइट CBGK16 एंड दीज कम विथ दीज मैकेनिकल स्विचेस। ओके, दीज आर रेप्लिका ऑफ चेरी MX ब्लू एंड देखो इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट्स भी हैं। सो इफ आई डू दिस आई विल बी एबल टू चेंज द इफेक्ट्स। काफ़ी कूल है एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इसमें टाइपिंग करने में। इफ़ यू वॉन्ट दिस यू कैन चेक आउट डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं अपना रोड मैप। ठीक है, तो आप स्कूल से आते हैं कॉलेज में, हो सकता है कि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके आए हों। अगर वो इन तीनों में से एक है देन यू आर रेडी। ठीक है, अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं की है देन यू कैन चूज एनी वन ऑफ दीज थ्री, जावा, C++, पाइथन, इन तीनों में से एक सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब कैसे करना है सेलेक्ट? तो अगर आप जावा सेलेक्ट करते हैं देन जावा आपको डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगी, मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने में भी हेल्प करेगी। और अगर आप पाइथन सेलेक्ट करते हैं देन पाइथन आपको मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में हेल्प करेगी। ठीक है, C++ आपकी कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग अगर आप बहुत अच्छे हो जाते हैं देन हेल्प करेगी। इन तीनों की ही लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए मैंने, वहाँ से जाके आप लोगों को लेक्चर्स देखने हैं। अब सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं देखने, आपको साथ साथ कोड भी करना है। जैसे वो लोग लेक्चर्स में कोड करवाएंगे वैसा ही आपको साथ साथ कोड करना है। ठीक है, अब ये चीज़ आपकी एक हफ्ते के अंदर हैंडल हो जाएगी, क्योंकि जो मैंने लेक्चर्स मेंशन किए हैं उनकी जो लेंथ है दैट इज़ 5 आवर्स 6 आवर्स, बस इतने में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बट आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है, सो दैट इज़ वाई एक हफ्ता मान के चलते हैं। ठीक है, अब एक हफ्ते में आप उनके बराबर आ जाएंगे जो ऑलरेडी अपने स्कूल से प्रोग्रामिंग सीख के आए हैं, क्योंकि इतना ही सिखाया जाता है स्कूल में। देन आफ्टर दैट यू विल बी डूइंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ठीक है, DSL को आप करेंगे, तो DSL को भी आप तीनों ही लैंग्वेज में से किसी एक में कर सकते हैं जो आपने सीखी है। आई एम गिविंग यू द लिंक ऑफ ऑल दीज थ्री इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज हैं जहाँ पर आपकी अलॉन्ग विथ थ्योरी प्रैक्टिस भी करवाई गई है। ठीक है, इन तीनों में से एक चूज कर लेना और अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेना। अच्छा, जो मैंने यहाँ पर C++ का लिंक दिया है उसमें आपके STLs कवर्ड नहीं है। ठीक है, बाकी आई थिंक पाइथन में एंड जावा में कवर्ड है, C++ में STL कवर्ड नहीं है। सो दैट यू कैन डू फ्रॉम लव बब्बर्स चैनल। तो लव बब्बर भैया ने बहुत अच्छी तरीके से STL पढ़ाया हुआ है इन 1 आवर, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, तो जब आपका ये हो जाएगा देन आपको करना है प्रैक्टिस। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछ चुके हैं कि भैया पहले मैं थ्योरी करूं देन प्रैक्टिस करूं या थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस करूं। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है थ्योरी करने के साथ साथ। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना 3 से 4 महीने फॉर DSL को, ये मैंने थ्योरी एंड प्रैक्टिस के साथ साथ लिखा हुआ है। लेट अस से आप पहला टॉपिक कर रहे हैं, पहला टॉपिक आपका है एरे। ठीक है, एरेज़ के बारे में आपने थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा, देन आपने जो वीडियोज़ में क्वेश्चंस हैं वो सारे ट्राई किए। उसके बाद आपको खुद से भी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। सो यू मस्ट गो टू अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड लीड कोडिंग, ये हमारे चैनल का ही नाम है। यू मस्ट गो टू अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड लीड कोड। तो लीड कोड पे जाने के बाद आप लोगों को वहाँ से क्वेश्चंस देखने हैं, एरेज के सॉर्ट करने हैं, क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल, इजी, मीडियम, हार्ड हो जाएंगे, देन आप लोगों को ईजी वाले सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा टॉपिक उठाएंगे, लेट से आप लोगों ने बाइनरी सर्च किया, तो बाइनरी सर्च करने के बाद उसके क्वेश्चंस वहाँ से लीड कोड से उठाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है अलॉन्ग विथ थ्योरी, आपका DSL बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। देन देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड कोड फोर्सेज, ये है आपका कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। ठीक है, इस पर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट में जितने क्वेश्चन होते हैं उतने ट्राई कर लो, नहीं होते हैं देन कॉन्टेस्ट के बाद आपके एडिटोरियल्स वहाँ पर अपलोड हो जाते हैं, देन एडिटोरियल्स आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी, एक आपको स्टार्ट मिल जाएगा। ठीक है, देन फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट यू फोकस ऑन योर CGPA। CGPA कोई अलग से नहीं बताता, बट CGPA इज़ रियली इंपॉर्टेंट
फर्स्ट ईयर में बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो बाद में दिक्कत आने वाली है बिकॉज यू विल बी सिटिंग फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स। कैंपस प्लेसमेंट में पहला जो राउंड होता है दैट इज नॉट द ऑनलाइन कोडिंग चैलेंज, दैट इज द CGPA राउंड। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, सो ट्राई टू मेंटेन योर CGPA अलॉन्ग विद दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे आपको दोस्त बनाने हैं, लोगों से इंट्रैक्शन करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। बट जब आपको वेकेशंस मिलती हैं, आपको दिसंबर में वेकेशंस मिलती हैं, आपको समर वेकेशंस मिलती हैं, देन उस टाइम पे आप ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, यू विल गेट एन ऑप्शन टू डू ML, वेब, देन एंड्रॉयड, यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, रोबोटिक्स, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो आप वो अपना इंटरेस्ट परस्यू कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप स्किल्स वगैरह सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बेसिक स्टार्ट करना है बस, बाकी आपके पास सेकंड ईयर है, पूरा पढ़ा हुआ है, डेवलपमेंट आप लोग सेकंड ईयर में कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर प्लान है, इफ़ यू फॉलो दिस यू विल बी इन अ गुड पोजिशन टू सिट फॉर एनी कंपनी विच विल बी विजिटिंग योर कैंपस या फिर ऑफ कैंपस, बहुत ही अच्छी आपकी इसी तैयारी हो जाएगी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू वॉन्ट मोर सच कंटेंट मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपके कोई एडवाइसेज हैं या कोई क्वेरीज हैं तो।